हम पहले ग्राम बदरोण में रहते थे सर। कहाँ पर था ये? ग्राम पंचायत मरला थी सर, पन्ना टाइगर रिजर्व में। जी अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सर मतलब हमें निरसर पारक बारन ने जनगणना करके हमारी जो राशि सरकार ने बनाई 8,65,000 हम खुद दिए गए। और फिर सर हम बहुत अपने घर गांव में बहुत अच्छी तरह से रहते थे, खेती करते थे, अपने बाल बच्चे पालते थे। और सब जब से हम यहाँ आए हैं तब से साहब हम अपनी झुंगी झोपड़ी में अपनी गुजर कर रहे हैं। ना हमारे पास खेती रह गई, ना हमारे पास कुछ नहीं रह गया सर। और क्या वादा किया गया था? ये वादा किया गया था सर कि हम जमीन देंगे आपको, गांव रहने के लिए हम पूरी व्यवस्था बनाएंगे, आपका स्कूल, लाइट और मतलब रोड सब कुछ व्यवस्था आपकी बनाएंगे। दिलासा की दे करके सरकार ने आज हमको मट्टी में मिला दिया साहब। आपको बहुत बड़ा दुख हो रहा है। कब हुआ ये? जी साहब 2007 में हमने मुआवजा राशि दी है और 2009 में हमको साहब यहाँ पटक दिया। मुआवजा आप लोग विस्थापित होने के लिए आप लोग तैयार थे? नहीं सर, हमने इनकार किया था कि साहब हमको गांव रहने के लिए जमीन दी जाए, हमारे गरीब आदमान को हमें पैसा ना देके जमीन दी जाए कि जो कि हम अपना पालन पोषण कर सकें। आपके साथ सिर्फ आपका ही गांव खाली कराया गया या आसपास और भी गांव थे? हमको सबसे मोरा हटाया गया, फिर उसके बाद पीपर टोला और मतलब मुड़ारी खेरा और मतलब चनारी और मतलब जो तुम्हारा कनेरी, जी हाँ कनेरी भी उठाई गई सर और चनैनी गांव भी उठाया गया हमारे बगल में। यानी आपके साथ साथ 5-6-7 गांव और उठाया गया? हाँ, हम ये चाहते हैं श्रीमान जी कि हमारी जो व्यवस्था पहले बनी थी जगह जमीन से, हमें जमीन चाहिए साहब और घर दो, लाइट, स्कूल, पानी, हमारी जो व्यवस्था और बाल बच्चों को हमारा भविष्य लिखाने पढ़ाने का। मेरा गांव पन्ना रिजर्व टाइगर के क्षेत्र में आता है। अच्छा। और 14-15 में मेरा गांव विस्थापित की वो भाई प्रक्रिया चली, लेकिन 15 में तो हटा ही दिए हैं, आधी लोग चले गए हैं, आधी लोग हम लोग रह रहे हैं। उसमें से हम लोग लड़ाई ले रहे हैं, हमारे साथ में धोखाधड़ी हुआ है, मतभेद हुआ है, भेदभाव हुआ है। और उन लोगों ने 10 लाख का पैकेज कह के 7.5 लाख रुपये दिए हैं, उसमें से उन लोगों ने 2.5 लाख रुपए काट लिए। 2.5 लाख रुपए क्यों काटे बताया कभी? उन्होंने कहा है कि 2.5 लाख रुपए का वो सामान ढो के देंगे, उसका काट लिए हैं। तो आप जो छोड़ के जाना चाह रही हैं, अगर जो भगाया जा रहा है या आपको हटाया जा रहा है वहाँ से, तो उससे आपको और क्या नुकसान हो रहे हैं? गांव छोड़ने से हमको बहुत नुकसान हो रहा है। हम बहुत परेशानी से अपने बच्चों को पढ़ाया है और वो पढ़ भी रहे हैं। गांव में रहने से मेरे बच्चे, एक बच्चा बड़ा वाला फाइनल कर रहा है और लड़की भी फाइनल कर चुकी है, छोटा वाला 12वीं पढ़ रहा है। और जो हमारे यहाँ के गांव के लोग भटके गए हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं और ना वहाँ उनको कोई वो है। तो इससे हमको ये लगता है कि ये अपने गांव में रहें, कम से कम वो पढ़ लिख लेंगे तो अपने अधिकारों को तो समझेंगे। हम तो नहीं समझ पाए हैं, तो हमको शासन ने और जंगल विभाग वालों ने बेवकूफ बना दिया है, तो पढ़ाई भी से वंचित हो रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने गांव में रहें और हमारे जैसे है बच्चों को हमारे गांव के लोग पढ़ाएं, जो अभी रुके हैं पढ़ा भी रहे हैं, तो हम गांव से नहीं हटना चाहते। तो जो लोग छोड़ के गए हैं क्या उनके क्या हालात हैं आज? जो लोग छोड़ के गए हैं उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे, मजदूरी कर रहे हैं, पलायन को जा रहे हैं, बड़ी मुसीबतें कि ठोकरें खा रहे हैं, खाने को भी नहीं मिल रहा, उनके राशन कार्ड बंद हो गए, उनकी वृद्धा पेंशन बंद हो गई हैं। जो एक गांव में संसाधन उनको मिल रहे थे उनको मिलना मुश्किल पड़ रहा है, खाने को भी नहीं मिल रहा, जो गांव में साधन सुविधाएं थी वो नहीं हो रही। क्या नाम हुआ आपका, क्या करते हैं? मनी। कहाँ के रहने वाले? बदरोण गाँव। कहाँ अभी कहाँ रह रहे हैं? जनकपुर पन्ना। तो वहाँ से कब भगाया गया आप लोगों को? 2010 में। क्या बोल के बोल रहे थे कि वहाँ जमीन देंगे, घर मकान बना के देंगे, यहाँ पे आए तो कुछ नहीं दिया। अच्छा। अपने से बनाया। तो सिर्फ आपका गांव हुआ था या आसपास का और भी गांव था? आसपास के और गांव भी। कौन कौन से थे, कुछ नाम याद है? पीपर टोला, मुड़ारी, खेरो, चनारी, चौकन चनारी का 4-5 गांव जो भगाए गए थे।
ताल गाँव। तो इन सबके साथ, इनके सबके साथ यही हाल है, किसी को कुछ नहीं मिला? सबके साथ यही हाल है, मजदूरी नहीं लग रही ढंग से यहाँ। आदिवासियों को वहाँ से खदेड़ा गया, बाहर निकाला गया, उनकी आजीविका को छिन्न भिन्न किया गया, जबकि आदिवासी और टाइगर का एक तानावाना है, बहुत बड़ा तानावाना है, जिसको तोड़ा गया। उसके कारण एक समय ऐसा आया कि पन्ना जिले से, पन्ना टाइगर रिजर्व से एक भी टाइगर नहीं बचे थे, लेकिन फिर पुनर्स्थापना उसकी हुई और आज वो संख्या 50 से 52 तक संभवतः पहुँच गई है। अगर टाइगर रिजर्व रहे, बिल्कुल हम सारे लोग जानते चाहते हैं कि टाइगर भी रहे और इंसान भी रहे। हाँ, हमारा हमको जगह दो, तुम जैसी हम आते हैं वैसी हमें जगह दो, जब हमको हटना है, नहीं तो हमको नहीं हटना है। तो शहर जाना तो अच्छा है ना, उधर बिजली भी है, रोड भी है, सब ठीक है, स्कूल रहेगा, तो काहे नहीं जाना? ये हमारा 10,000-10,00,000 में क्या होता है, हमें कितना? तुम अपनी गृहस्थी छोड़ दो, भला एक बार जब संपत्ति छोड़ दो तो हम जान ले, तुम्हारी नौकरी तो 10-15 लाख मिला थे, हमें कहा हो 10,00,000 में? एक आदमी को 10,00,000 रुपए दे रहे हैं, उनकी जमीन है, खाने की मकान है, जो है वो शहर में नहीं दे पा रहे। और अगर विस्थापन में पैसा जो देते भी हैं तो 10,00,000 देते हैं, तो उसमें 1,00,000 सामान रुपए ढोने के काट देते गरीब आदमी होंगे, तो परेशान कर रहे हैं उनकी। ठीक है, टाइगर को बचाएं, हम लोग भी चाहते हैं टाइगर को बचाएं, लेकिन इंसान की तरफ भी तो देखें यार, ये क्या हालात है इनके, रोजमर्रा की जिंदगी क्या है, कमाई कहाँ से आएगी, खाएंगे कहाँ से, ये स्थिति चल रही है, बहुत नाजुक चल रही है सर।